अज लगातार तीजे दिन अतवादी हमलों के कारण सहमिया फ्रांस, अज फिर उत्तर पूर्वी इलाके च भारी गोलीबारी। गांधीनगर च प्रवासी भारतीय दिवस का अज तीजा ते आखिरी दिन गृह मंत्री राजनाथ सिंह दे समेत वख-वख सूबयां दे मुख्यमंत्रियों ने की शमूलियत। कैप्टन अमरिंदर सिंह अते प्रताप सिंह बाजवा दे विचाले आपसी फुट एक बार मुड़ तो हुई जग जाहर, बाजवा की प्रधानगी ते कैप्टन ने चुके सवाल। अते लोहड़ी ते धमाला पाउण दे लई चढ़दी कला टाइम टीवी का विशेष उपराला, 13 जनवरी नूं राती 8:30 बजे लोहड़ी धमाल प्रोग्राम का होगा प्रसारण। जे तुसीं वेख रहे हो चढ़दी कला टाइम टीवी, मैं हां सुखविंदर सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करदे हां अज दी अहम खबर दे नाल। पिछले 3 दिनों तों फ्रांस दहशतगर्दी दे साए हेठ है, अज फिर फ्रांस के पैरिस दे विच गोलीबारी होण दी खबर है। पैरिस के उत्तर पूर्वी इलाके दे विच जदों एक शक्की कार का पिछा किया गया तां कार दे सवार अणपछात्यां दे वल्लों गोलियां चलाईयां गईयां ने, जिस दे विच 2 लोगों की मौत होण दी खबर है ते कई लोग जख्मी हो गए ने। 3 दिन तों लगातार फ्रांस दे विच अतवादियों की दहशत ने लोगों दे विच सहम पैदा कर दिता है। गौरतलब है कि पहले दिन चार्ली हैब्दो रसाले दे दफ्तर दे विच गोलीबारी, दूजे दिन दक्षणी हिस्से च अतवादियों ने मुड़ तो दस्तक दी, अज फिर उत्तर पूर्वी इलाके दे विच गोलीबारी की गई है। फ्रांस दे विच लगातार 3 दिनों तो हुंदी गोलीबारी तो बाद विश्व भर दे विच हाई अलर्ट जारी कर दिता गया। वख-वख मुल्कां दे विच इह हाई अलर्ट जारी किया गया जो कि फ्रांस के पैरिस दे विच, जो कि फ्रांस की राजधानी है पैरिस, उत्थे लगातार 3 दिनों तो अतवादियों वालों गोलीबारी की जा रही है। चार्ली हैब्दो रसाले के दफ्तर दे विच जो गोलीबारी हुई सी उस विच कई पत्रकार भी मारे गए सन। उस तो बाद कल दक्षणी हिस्से दे विच अतवादियों ने मुड़ तो दस्तक दी, अज फिर उत्तर पूर्वी इलाके दे विच गोलीबारी की गई है। ते फ्रांस तो बाद रुख करदे हां कौमी खबरां दे वल। गांधीनगर दे विच प्रवासी भारतीय दिवस का अज तीजा ते आखिरी दिन सी। अज गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने प्रवासी सम्मेलन दे विच शिरकत की, इस दे नाल ही वख-वख सूबयां दे मुख्यमंत्रियों दे विच मुख्यमंत्री पंजाब प्रकाश सिंह बादल भी पहुंचे। अपने संबोधन दे विच गृहमंत्री ने प्रवासी भारतीयों नूं सद्दा दित्ता है कि भारत दे सर्वपक्षी विकास अते सुपर इकोनॉमिक भारत दे सुपने नूं साकार करन दे लई प्रवासी भारतीय अगे आउण। इंटरनल अफेयर्स मिनिस्टर श्रीमती सुषमा जी स्वराज, दुनिया के दूसरे देशों में बराबर ही चर्चा होती रही है कि भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की गारंटी नहीं है, लेकिन मित्रों अब वह संकट भारत से दूर हो गया है। भारत में यदि गवर्नमेंट है तो स्टेबल गवर्नमेंट है, एक अस्थायी सरकार है, यह कमजोर सरकार नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की गारंटी हमको मिल गई है, इसलिए मैं आप सबका यह आह्वान करना चाहता हूं, आइए हम सभी मिलकर भारत में इतना अधिक निवेश करें, इतना अधिक निवेश करें कि भारत को केवल एक इकोनॉमिक पावर ही नहीं बल्कि एक सुपर इकोनॉमिक पावर के रूप में हम स्टेब्लिश कर सकें। इसमें आप सभी का सहयोग चाहिए। यह मत सोचिएगा कि प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर हम आपको इन्वेस्टमेंट करने की अपील कर रहे हैं तो आपसे हम लोग केवल धन का ही रिश्ता नहीं रखना चाहते बल्कि आपके साथ हम मन का रिश्ता रखना चाहते हैं, यह आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। योधराज पंजाब के सबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी प्रधान सोनिया गांधी के नाल मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक यह मीटिंग नवी पार्टी बनाने की कवायद दे विच शामिल है। पिछले कुछ समय तो कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी तो नाराज चले आ रहे सन, तो इस दौरान पार्टी गलियारों के विच कैप्टन की गैर मौजूदगी सारियां दियां अखां दे विच रड़क रही थी। कयास लगाए जा रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नवी पार्टी बनाने की कोशिश विच ने, जबकि अज मीडिया के नाल गलबात दे विच कैप्टन ने इन्हां सारियां खबरों का खंडन किया। इन्हें नहीं कैप्टन अते बाजवा दे विचाले तकरारबाजी एक बार मुड़ तो जग जाहर हुई है। कैप्टन ने कहा कि बाजवा कांग्रेस नूं पंजाब दे विच जित नहीं दवा सकते। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रताप सिंह बाजवा ते वड्डा हमला बोलिया। उन्हां दा कहना है कि बाजवा कांग्रेस नूं जित नहीं दवा सकते। स्टॉन्च तो मैं क्या कहूं,
कांग्रेस चीफ मिनिस्टर रहा हूं, दो बार पीसीसी का प्रेसिडेंट रहा हूं, मैं अब डिप्टी लीडर हूं हाउस में, मैं क्यों जाके किसी छोड़ के कहीं जाऊं? बिकॉज पीसीसी के लीडर लीडरशिप वो होती है जो स्टेट लगे कि ये स्टेट को जीत के ले आ सकती है। मैं समझता हूं कि बाजवा जीत के नहीं ले आ सकती। जी उधर सिख कैदियों की रिहाई के मामले से अकाली दल की भाईवाल भाजपा ने अपने आप नूं वख कर लिया। पार्टी प्रधान अमित शाह ने इस मामले ते अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिता है। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की पार्टी प्रधान अमित शाह के नाल मुलाकात के दौरान सिख कैदियों की रिहाई बारे पूछे गए सवाल दे विच उन्होंने कहा कि भाजपा इस दे नाल सहमत नहीं है। अकाली दल जिन्हां कैदियों की रिहाई की मांग कर रहा है उन्हां कैदियों दे विचों पांच साबका मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या दे विच शामिल सन, जबकि एक कैदी 1993 दे विच दिल्ली बंब धमाकों दे विच शामिल सी। सोबंदी सिखां दी रिहाई दे मामले ते भाजपा दे इस स्टैंड दे नाल कई तरह दे कयास जुड़ गए ने कि पंजाब सरकार दे वल्लों बंदी सिखां दी रिहाई दी कोशिश संभव हो पावेगी जां नहीं। पंजाब दे विच अकाली भाजपा ते कांग्रेस सूबे दी नौजवानी नूं नशियां दे विच गर्क करन दे लई बराबर दी जिम्मेवार है। इन्हां विचारां दा प्रगटावा बहुजन समाज पार्टी दे सूबा प्रधान अवतार सिंह क्रीमपुरी ने चोणवें पत्रकारां दे नाल लुधियाना स्थानक सर्कट हाउस दे विखे विशेष मीटिंग तों बाद कीता। उन्हां कहा कि सरहदी इलाकियां दे विच नशियां दे खिलाफ धरने अते मुजाहरे करना सिर्फ ते सिर्फ सियासी ड्रामा है। इत्थे क्रीमपुरी ने भाजपा शासित राज्यां दे विच नशे दी खेती ते वी सवाल खड़ा कीता। हुण अकाली पार्टी नू नशियां दा अगर वह खात्मा चाहते तो उन्होंने धरने लाने की लोड़ नहीं, उन्होंने सरकार है कुछ करने की जरूरत। मेरा यह कहना अकाली नू भी बीजेपी नू भी कि केंद्र च भी उन्होंने सरकार है सूबे च भी सरकार है, तो जिहड़े भी ड्रग दे समगलर्स आ उन्हां दी सरप्रस्ती ना करके कानून अनुसार उन्हां लई सज़ा दा प्रबंध करन, सख्त कदम पुट्टन, बड़े समगलरां नू हथ पाउण। अगली खबर दे वल, पंजाब दे जिला पठानकोट दे कई पिंड पाकिस्तान दे तरफों गोलीबारी दे कारण हर रोज मौत दे साए हेठ जीउण दे लई मजबूर ने। पाकिस्तान दा बार्डर नजदीक होण दे कारण पिछले कई दिनां तों नित हुंदी गोलीबारी दा खामियाजा पिंड वासियां नूं भुगतना पै रिहा। गोला बारूद इन्हां लोकां दे घरां दे विच आ डिगदा जिस दे कारण पिंड पलाह दे वासी परेशानी दे नाल जूझ रहे ने। पिंड वासियां दा कहना है कि उन्हां दा अपने खेतां दे विच काम करना भी किसी खतरे तो घट नहीं है। सहमे पिंड वासी सूबा ते केंद्र सरकार नूं कोस रहे ने कि कोई भी उन्हां दी सार नहीं लैंदा। कल परसों भी गोलियां चलियां, इधर बैठे थे सारे जने, फैमिली इकट्ठे होके बैठी थी, उधर गोली आ गई। हम डर लगा बहुत, छोटे छोटे बच्चे भी थे हमारे साथ, जहाँ पर बॉर्डर है हमारे पास कोई जाने का प्रबंध भी नहीं है, जहाँ पर साधन भी नहीं कोई है। नहीं रोज तीसरे चौथे दिन बाद चलती रहती है, दिन तो फर्क रहा, रात को बहुत ज्यादा चलती है, रात को हमें डर लगता है इसलिए। तो उधर पंजाब सरकार एक पासे जिथे किसानों नू फसली चक्कर तो आजाद करने के लिए प्रचार कर रही है, उत्थे किसान इस फसली चक्कर दे विच फसदे नजर आ रहे हैं। फरीदकोट दे विच किसानों ने करीब 1000 एकड़ गोभी की खेती की थी, जिस विचों तकरीबन 700 एकड़ फसल हुण भी ज्यों दी त्यों खड़ी है। परेशान किसानों का कहना है कि फसल का वाजिब मुल ना मिलने के कारण उन्होंने राजस्थान के जयपुर जोधपुर और बीकानेर आदि शहरों के जाने के लिए मजबूर होना पै रहा है। पीड़ित किसान सरकार दे कोलों फसली विभिन्नता दे लई ठीक मंडीकरण करन दी मांग कर रहे हैं। उधर बागबानी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि किसान लालच दे विच आके बाहर दीआं मंडियां दे वल रुख करदे ने। असीं पहलां भी दो तीन वार अपील कीती सरकार अगे, लेकिन साडी किसे ने कोई गल नहीं सुनी गी। ते हुण गोभी सानूं दूर दराडे जिवें बीकानेर, नगौर, जोधपुर दूर दराडे मंडियां च लैके जाणी पैंदी। दरअसल इह गल नहीं वी बाहर वेचण जा रहा है, फरीदकोट दे लागे छागे ते कोटपुरे दे लागे गोभी की बहुत वड्डे पद्धर ते खेती कीती जांदी है। जेकर ये सारी फसल लोकल मंडी आ जाए तो मंडी के गलाट आ जाता है तो रेट घट जाते हैं, इसे करके ज्यादा कीमत लैण वास्ते लोग दूर दराड़े मंडियों में अपनी फसल बेचने जा रहे हैं।
जेपी सीमेंट कंपनी वालों समराला दे पिंड कटानी कलां विखे कंपनी दे अधिकारियों ने गाहक मिलनी दा प्रबंध किया, जिस दे विच इंजीनियर गगन शर्मा ने जेपी सीमेंट दे गुणा दे बारे जानकारी दित्ती। इस नूं वरतन दीआं विधियां राज मिस्त्रियां नूं समझाईआं। उन्हां कहा कि राज मिस्त्रियां दे वल्लों आए सुझाव इंजीनियर गगन शर्मा अनुसार कंपनी तक भेजे जाणगे अते इन्हां सुझावां दे अनुसार कंपनी सीमेंट दे विच सोधां ते विचार करेगी। इस मौके मार्केटिंग अधिकारी राजेश कुमार ने भी अपने विचार रखे। जेपी सीमेंट वालों राज मिस्त्रियों के ये निमंत्रण दिता गया। ये असी जेपी सीमेंट बारे जेपी ग्रुप बारे तो उन्होंने जो उसारी के काम करते हुए जड़िया निक्किया मोटिया उन्होंने दिक्कत आदियाँ उन्होंने उन्होंने निपटारा किया गया। तो उन्होंने जेपी सीमेंट के दूजे सीमेंट कंपनियों नालों असी वक्रा की कर रहे हैं उन्होंने वास्ते तो उन्होंने काम में होर सुचे ढंग ना कि वह चल सके आयोजन किया जा रहा है, जिस भर के नामवर गायकों के वालों सुर की महफिल सजा के प्रोग्राम नूं चार चंद लगाए जाएंगे। इस मौके इंद्रजीत निकू, सुरजीत खान, प्रीत हरपाल, रुपिंदर हाडा, बाई अमरजीत, उगे कॉमेडियन राणा रणवीर दे समेत पंजाब दे मशहूर गायक अते अदाकार अपनी दिलकश आवाज दे नाल दर्शकां नूं मंत्रमुग्ध करनगे। प्रोग्राम दे विच चढ़दी कला टाइम टीवी दे चेयरमैन सरदार जगजीत सिंह दर्दी अते श्री गुरु हरकिशन स्कूलां दे डायरैक्टर जसविंदर कौर दर्दी मुख मेहमान वजों शिरकत कर रहे ने। लोहड़ी वाले दिन 13 जनवरी रात 8:30 बजे दर्शक इस प्रोग्राम का आनंद माण सकणगे। दोस्त मित्र भी बैठे ने, होर साढ़े बहुत अच्छे गैसट भी बैठे ने, पर साढ़े खुशी की गल है कि साढ़े विच चढ़दी कला टाइम टीवी दे चेयरमैन सरदार जगजीत सिंह जी दर्दी और मैडम जसविंदर कौर दर्दी जी, सरदार सतवीर सिंह जी दर्दी और जेपी सिंह होरी भी बिच ने, वह भी विराजमान ने, वह भी इस महफिल नूं चार चंद ला रहे ने, साडे नाल इंजॉय कर रहे ने, साडे कलाकार नाल इंजॉय कर रहे ने। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम साडे कोले इत्थे विच हाजरी लवाउण लई। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਸਰਬੱਤਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਟਰੱਸਟੀ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਸਟਿੱਕਰ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਪਤਾਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ NCR ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 3-wheeler ਦੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ।
सो सरबत वाला चैरिटेबल ट्रस्ट जो धुंद में एक्सीडेंट होंगे ने इन्हों अवॉइड करने पिछले साल यह मुहिम असी शुरू की थी जिसे 13 लाख स्टिकर जोड़े से सारे पंजाब हर डिस्ट्रिक्ट लगाए गए थे। सो इस हफ्ते जो सा वीक चल रहा है ये असी 27 डिस्ट्रिक्ट जोड़े आ पुलिस डिस्ट्रिक्ट मिला के पंजाब के 10 डिस्ट्रिक्ट जोड़े ने हरियाणा के ने इन सारे पास सारे स्टिकर वंड दिए गए हैं और साड़ियाँ टीम है सरबत भरे दिन सारिया टीम पुलिस के नाल पुलिस की हेल्प के नाल असी सारे शुरू करते हैं और इस साल सा जरा बजट है तकरीबन असी 20 लाख स्टिकर जोड़े है रिफ्लैक्टर जोड़े है ये असी गड्डिया लावे और मैं उम्मीद है इन्होंने लाने असी काफ़ी एक्सीडेंट जोड़े वो बचा सकते। सरबत का भला एक एन जी ओ वालों जो ये ट्रैफिक अवेयरनैस जरा कैंपेन है वह भी नाल चल रही है वो कुछ स्कूली बच्चे कॉलेज के बच्चे जोड़े बैनर से वो लैके इतने लोगों ये बारे चेतना से अवेयरनैस पैदा कर रहे हैं रोड सेफ्टी बारे। तो करीब 83 साल के बाद मकर संक्रांति का सब तो वड्डा महासंयोग हो जा रहा है जो कि 15 जनवरी मकर संक्रांति महा इस बार मकर संक्रांति इस बार मकर संक्रांति का महाउत्सव 15 जनवरी मनाया जाएगा। काबले गौर है कि 83 साल बाद मकर संक्रांति के सब तो वड्डा महासंयोग बन जा रहा है। इस महासंयोग का असर ग्रह और राशियों से भी होगा। मकर राशि विच सूरज शुक्र और बुध के योग विच 35 साल बाद उच्च बृहस्पति योग बन जा रहा है। शास्त्र मुताबिक ये संयोग इस बार 2 बार बन जा रहा है। धर्म गुरुआ मुताबिक अजिहा योग खास तौर ते सरकारी योजनावां विच वधेरे लाभ देने वाला हुंदा है। 14 जनवरी शाम 7:28 ते सूरज मकर राशि विच प्रवेश कर जाएगा। शास्त्रा विच संक्रांति काल तो पहला 6:24 अते बाद दे 16 घंटे पुण्य काल मन्या गया है। पुण्य काल 14 जनवरी दोपहर 1:04 ते शुरू हो जाएगा जो के अगले दिन यानी 15 जनवरी सवेरे 11:28 रहेगा। सो इस बार की महासंक्रांति उत्सव काफी महत्वपूर्ण मनी जा रही है ते अजिहा संयोग 83 साल बाद देखने को मिलेगा। जी गल कर लैने मौसम की पूरा उत्तरी भारत इस वेले संघनी धुंद की लपेट के जकड़िया होया है। राजधानी दिल्ली के समेत उत्तर भारत का वड्डा हिस्सा शीत लहर दे कारण थर थर कंब रहा है। दिल्ली NCR दे विच संघनी धुंद के कारण करीब 41 रेल गड्डिया 31 उड़ाना देरी दे नाल चलिया। इस अत की सर्दी का असर आम जनजीवन से बुरी तरह पै रहा है। सर्दी तो बचने के लिए लोग अग सेक के थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। अज सवेर तो ही पूरे उत्तरी भारत के संघनी धुंद छाई रही जिसके कारण लोग घर ही रहन वधेरे तवज्जो दे रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक इस कहर बरपाउं की ठंड और संघनी धुंद तो कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है। तो बुलेटिन के अखीर में तुहानू छड़ जांदे आ खबरां फटाफट दे नाल।